तो कुछ इस तरह बन के रेडी हुआ है। मिट्टी खाएगा? खाएगा। मैं डाल दिए हैं, अभी इसको भी पकने में 15-20 मिनट। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह अभी निकाल रही। तो हेलो दोस्तों, फिर से हमारा न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देख सकते हैं मैं आया हूँ नदी, देख सकते हैं कुछ इस तरह नदी है। हम नहाने के लिए आए थे, हाँ, तो हमारा परिवार भी, जो हमारा धर्मपत्नी, वो भी नहाने के लिए आई थी। तो वो देख रहे हैं वो नदी में घूंघी मिलता है, घूंघी, हाँ घूंघी मिलता है, तो आज उसी को कलेक्ट कर रही है वो। तो आप लोग को दिखाते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस तरह अभी निकाल रही है, मिला रे, देख सकते हैं इतना हम लोग निकाले हैं, देख सकते हैं इतना। ये कमेंट में बता रहे इसका नाम क्या, हम लोग तो इधर झिनुक बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। और घोंघी हम लोग बोलते हैं, घोंघी, झिनुक। फिर घुस चुका पानी में, देख सकते हैं एक तो मिला शायद उसको, किधर है, फेंक दिया। तो दोस्तों तो ये नदी पानी में वो कीचड़ रहता है ना, कीचड़ में इन लोग घुसा हुआ रहता है। तो इसको अंदाजा ही हाथ डाल के ऐसा ऐसा करके मतलब निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है, मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। में बनाएंगे, क्या बोलते हैं, पोताड़ा करेंगे झारखंडी स्टाइल में, देसी स्टाइल में प्योर। आप लोग देखना और कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन ऐसे करके खाए हैं, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, आप लोग को देखने को मिलेंगे कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, कितना मिला देखे, देख सकते हैं दोस्तों इतना कुछ मिला। चल तो फाइनली दोस्तों अभी नहा के आ गए नदी से, तो घर आ गए हैं, देख सकते हैं अभी घर आए। तो अभी देख रहे हैं घर में अभी बना रहे हैं वो जो घोंघी जो कलेक्ट किया था ना, नदी से उठाया था ना, तो वो भी बना रहे हैं, देख सकते हैं। ये इधर ईंट का चूल्हा बना लिया है, बैक कैमरा से आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो नदी में हम लोग उठाए थे ना, वो है अभी ये ईंट का चूल्हा में। अभी इसको पहले बॉयल कर लेंगे, बॉयल करने के बाद तो ये क्या होगा कि बॉयल करने के बाद ये निकल जाएगा, हाँ मतलब बॉयल ने कहे मतलब मुँह उसका फैल जाएगा, तो उसको निकाल सकते हैं निकालने के। तो दोस्तों अभी 5 से 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट लगभग। तो देख सकते हैं अभी कुछ भी इस तरह बॉयल आने हो गया, तो देख सकते हैं अभी ये हो गया, इसको निकालेंगे, अभी निकाल रहे हैं अभी उतर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह अभी ये हो गया है, तो अभी इसको छोड़ाया जा रहा है, देख सकते हैं इसका जो मीट जो क्या हो कुछ भी बोलो, तो ये इतना बड़ा बड़ा निकल रहा है। इसको अच्छा से फिर धोएंगे, धो धा के पूरा। अभी ये पत्ता तोड़ने आए थे, ये देख सकते हैं इस पेड़ का पत्ता हमने तोड़ा, हाँ तो देख सकते हैं इस तरफ कुछ पत्ता तोड़ा, ये इसको सखुआ पत्ता बोलते हैं हम लोग। तो इसी में पत्ता में सॉरी गाइस खांसी हुआ है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ये पत्ता में हम लोग अभी पकाने वाले हैं उसको, हैं पत्ता पहले लेके जाते हैं। तो देख सकते हैं इतना मीट इन लोग का निकला है, कितना ज़्यादा था और अभी कितना हो गया। इसको अच्छे से साफ किया जा रहा है, पत्थर में धोया जा रहा है, जो भी इसमें मसाला वगैरह डाला जा रहा है। डालने के बाद ये पत्ता से पहले पैक किया जाएगा, पत्ता से पैक करके इधर आग में फिर दे देंगे। तो इस तरह कुछ अभी पैक किया, इसको पोताड़ा बोलते हैं। पैक करने के बाद इसको फिर आग में देंगे रुकने के लिए, पत्ता रुकने के लिए इसमें ये लकड़ी दे देंगे, देना रे सीधे आग में डाल दिए हैं। अभी इसको भी पकने में 15-20 मिनट लगेगा, और ऊपर से भी लकड़ी दे देंगे। ऊपर से लकड़ी देने के बाद इस तरह कुछ ऊपर से भी लकड़ी दे दिए हैं, और लकड़ी देने के बाद अबे मतलब ये लकड़ी पूरा जल के ये हो जाएगा, उसको एक बार पलटी मारेंगे, उसके बाद निकालेंगे। दोस्तों अभी 10 मिनट हो गया है, अभी इसको पलटी करने जा रहे हैं, अभी इसको पलटी कर देंगे अच्छा से। पलटी करने के बाद इसको फिर और 10 मिनट रहने देंगे, उसके बाद फिर
निकालेंगे, क्योंकि एक साइड रहेगा तो नहीं पकेगा अच्छे से। इसको पकने देते हैं पहले। तो वो 10 मिनट हो गया है, फिर अभी इसको निकाल रहे हैं। निकाल। अरे इन लोग बच्चे लोग खाने के लिए ये हो रहे हैं, इतना उला हो रहे हुआ है। तो अभी इसको साफ कर रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह पका हुआ कैसे दिख रहा है। तो कुछ इस तरह बन के रेडी हुआ है। बेटी खाएगा? नहीं खाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं इस तरह कुछ बना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय।